अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन जरूर। जो जो नेपाल से आ रहे हैं सबको, नए लोग आए होंगे ऑब्वियसली, नया वीडियो है इसलिए। रिलीजियस आई डोंट नो फेस्टिवल रिलेटेड है, इसका नाम है गई यात्रा। तो टिकटॉक स्पेशल 2078, तो ये टिकटॉक रिलेटेड है और किसी फेस्टिवल रिलेटेड है, तो देखते हैं क्या है और कैसा है। फिर जो डिटेल्स है वो आपने कमेंट सेक्शन बता दी। क्या है ये? तो स्पेन में रियल वो जो बुल होता है वो भागता है पीछे, और इसमें इन्होंने ये बना के। मुझे लग रहा है मास्क टाइप है कुछ फेस्टिवल, सब में मास्क सब। ये वाला था ना भाग रहे थे पीछे। चक्कर आ जाएंगे भाई। हाँ ये ऊपर भी वो देखो बना हुआ उस तरह की सेम। भाई बड़ी नई नई चीज है, इसके बारे में जरूर बताएं भाई कैसा ये कल्चर इवेंट है ये। तेज भाई ये देखो, ये पकड़ ले तो ये तो फिर वो पकड़ लिया। ओ भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या क्या जैसे हमारे यहाँ वो कुर्बानी भी नहीं आता तो गायों को तंग कर। Proud to be a Nepal। वो तो इसराइल वाले फ्लैग का होता है। नेपाल तो इनका वो हाँ यूनिक लग रहा है। मजा आता है दूसरे कल्चर्स की चीजें देख के। कॉस्ट्यूम ले देसी स्टाइल हैलोवीन तो नहीं है? वही मुझे भी लग रहा था देसी स्टाइल, उसमें वो पंपकिन्स पहन के सर पे। लोग भी एंजॉयमेंट के बस क्या क्या तरीके निकाल लेते हैं। पर्टिकुलर एरिया में मुझे लग रहा है इनका ना कम्युनिटी फेस्टिवल पूरे नेपाल में। उसका कॉस्ट्यूम उतर गया है ये भाई। ओके जी, दिस वाज नेपाली हैलोवीन टाइप कल्चर जो भी एरिया का। बताइएगा भाई इंटरेस्टिंग होगा, कमेंट सेक्शन पढ़ते पढ़ते एक टाइम लगेगा इस कल्चर के बारे में। नेपाल कल्चर का क्या फेस्टिवल है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये कहाँ पर होता है नेपाल में? ऑल ओवर नेपाल होता है या फिर जस्ट एक कोई स्पेसिफिक एरिया जो है वहाँ के लोग कर रहे हैं सिर्फ? ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।